प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो हम लोग श्रीमद्भागवतम पहला स्कंद पहला अध्याय 11 12 13 श्लोक पे चर्चा करेंगे। तो 11वां श्लोक इस प्रकार है, भूरिणी भूरि कर्माणि श्रोतव्यानि विभागशः अतः साधोत्र यत्सारं समुद्धृत्य मनीषया ब्रूहि भद्राय भूतानां येनात्मा सुप्रसीदति। शास्त्रों के अनेक विभाग हैं और उन सब में अनेक नियमित कर्मों का उल्लेख है, जिनके विभिन्न प्रभागों को वर्षों तक अध्ययन करके ही सीखा जा सकता है। अतः हे साधु, कृपया आप इन समस्त शास्त्रों का सार चुनकर जीवों के कल्याण हेतु समझाएं, जिससे उस उपदेश से उनके हृदय पूरी तरह संतुष्ट हो जाएं। आज अनुलंबित भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनय कपितरौ कमलायताक्षौ विश्वंभरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वंदे जगत्प्रिय करौ करुणावतारौ वंदे श्रीकृष्ण चैतन्य नित्यानंदौ सहोदितौ गौड़ोदय पुष्पन्दौ चित्रोच्छन्दौ तमोन्मदौ पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदी गौर भक्त वृंद, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वैराग्य विद्यानिज भक्ति योगा शिक्षार्थम एक पुरुष पुराणा श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपा बुद्धिर्यस्तम अहम प्रपद्ये। तो यहाँ पर शौनक आदि ऋषि शिला सूता गोस्वामी को कह रहे हैं कि बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन हैं, तो और उन रूल्स रेगुलेशंस को सारे रूल्स रेगुलेशंस को समझने के लिए पता लगाने के लिए कई वर्षों का अध्ययन चाहिए। तो इतना टाइम किसी के पास नहीं है और कलयुग में लोग और प्रायेण अल्पाशु या सभ्या के लोगों की आयु कम होती चली जाएगी, बुद्धि भी कम हो जाएगी, स्मृति भी कम हो जाएगी। 12वें स्कंद में तो लिखा हुआ है कि स्मृति खत्म होती चली जाएगी, बिल्कुल नष्ट प्राय हो जाएगी स्मृति, याद ही नहीं रहेगा। आज की तारीख में आप देख लो, याद ही नहीं रहती चीज़ें। कई महत्वपूर्ण बातें हम कोशिश करते हैं याद करने की, भूल जाते हैं। कई बार इम्पोर्टेंट पासवर्ड्स ही लोग भूल जाते हैं, जिसके ऊपर उनके बैंकिंग या और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, डिजिटल लॉकर्स है, उसके पासवर्ड ही लोग भूल जाते हैं कई बार। तो स्मृति कम हो जाएगी, इंटेलिजेंस कम हो जाएगी, परेशान रहेंगे लोग। तो आप प्लीज़ आप जो है इसकी एसेंस आप निकाल के बता दीजिए। जो एसेंस है वो जान लेंगे, लोगों का कल्याण हो जाएगा। तो आप ये बताने की कृपा करें। तो पहली बात है कि क्यों जाने रूल्स रेगुलेशन, क्या ज़रूरत है रूल्स रेगुलेशन जानने की। तो भागवतम 6:12 में बोला है, न अश्नतः पथ्यम एव अन्नम व्याधयो अभिभिवन्ति ही एवं नियम कृत राजन शनै क्षेमाय कल्पते। कि हे राजन, जिस प्रकार कोई व्यक्ति एक चिकित्सक के कहने पर जो पथ्य है, जो भोजन करना चाहिए वो करता है, जो नहीं करना चाहिए वो नहीं करता, और ऐसा करने से उसका रोग ठीक हो जाता है, उसी प्रकार से नियमों का नियमकृत राजन, उसी प्रकार नियमों का पालन करने से व्यक्ति जो है वो भौतिक जो कंटैमिनेशन है, भौतिक दोष हैं, भौतिक क्लेश हैं, उनसे मोक्ष की तरफ
उसकी यात्रा शुरू हो जाती है, मोक्ष तक पहुंच जाता है वो। तो नियमों कानूनों का पालन करना जरूरी है ही, इसमें कोई मतलब शंका नहीं है। तो नियम कानूनों का पालन करना है, लेकिन इतने सारे नियम कानून हैं पता ही नहीं है कौन से नियम कानूनों कौन कौन से नियम है। पालन करना तो दूर की बात है, चलो पता लगा लिया कि ये नियम है सारे। अब सारे नियमों का पालन करना वर्चुअली इम्पॉसिबल है। कौन सा नियम हमारे पे एप्लीकेबल है, हम किन नियमों का पालन करें, किन को प्राथमिकता दें, किन को नहीं दें, ये सारे बहुत ही कन्फ्यूजिंग मैटर्स हैं। तो कैसे हम इसको समझ पाएंगे, इतने सारे ग्रंथ हैं पहले उनको पढ़ना, वेद हैं, लाखों श्लोक हैं, फिर वेदांग हैं उनके, फिर उपनिषद हैं, पुराण हैं, महाभारत में श्रील मध्वाचार्य महाभारत तात्पर्य निर्णय में बता रहे हैं, दूसरे अध्याय में कह रहे हैं कि 60 लाख ग्रंथ हैं महाभारत के अंदर, और 60 लाख ग्रंथ में से केवल 1 लाख ग्रंथ ही उपलब्ध है। उसमें से भी कई श्लोक विलुप्त हो चुके हैं, कई श्लोक कंटेमिनेट हो गए हैं। वो तो मध्वाचार्य ने श्रील मध्वाचार्य ने बड़ी दया करके जो प्रॉपर सिद्धांत है वो स्थापित कर दिया महाभारत तात्पर्य निर्णय के माध्यम से। और 30 लाख ग्रंथ तो व्यासदेव ने रिलीज ही नहीं किए महाभारत के, उन्होंने रखे हुए हैं ब्रह्मा आदि को एजुकेट करने के लिए, ऐसा श्रील मध्वाचार्य का मत है। तो इतने सारे ग्रंथ हैं। उसके बाद फिर हमारे आचार्य है जीवा गोस्वामी, उन्होंने षट संदर्भ और दुनिया भर की एजुकेशन उन्होंने दी। रूपा गोस्वामी आए, भक्ति रसामृत सिंधु, जो लॉ बुक है एटलीस्ट जो रूपानुगाय हैं, जो चैतन्य अनुगाय हैं, उनके लिए लॉ बुक है भक्ति रसामृत सिंधु। तो इन सबको पढ़ना, इन हजारों लाखों श्लोकों को पढ़ के उसमें से ये डूज एंड डोंट्स, नियम और निषेध, उनमें से निकालना क्या करना है क्या नहीं करना, और फिर ये देखना कि कौन से हमारे पर अप्लाई होंगे कौन से नहीं होंगे, तो वेल बड़ा मुश्किल है। और फिर जो रूल्स हैं वो भी अलग अलग टाइम पर अलग अलग चेतना, लोगों के चेतना के स्तर के अनुसार अलग अलग रूल्स रेगुलेशंस दे रखे हैं। तो ये डिटरमिन करना कि आखिर कौन से रूल्स हम पर एप्लीकेबल हैं, हम किन को फॉलो करें, एक्चुअली में बड़ा कंफ्यूजिंग है, बड़ा डिफिकल्ट है उसको अंडरस्टैंड करना। इसलिए शौनक आदि ऋषियों ने सूता गोस्वामी को बोला कि आप इतनी सारी चीज़ें लोग नहीं कर पाएंगे, आपने सब पढ़ा हुआ है, आप प्लीज़ वो डिसाइफर कर दीजिए, आप प्लीज़ उसकी जो एसेंस है, जो उसका सार है, आप वो निकाल के आप प्लीज़ वो प्रोवाइड कर दीजिए, उससे हम लोग अपना काम निकाल लेंगे। तो ऐसा उनका मत है, और यही वो यहाँ पर बेसिकली रिक्वेस्ट कर रहे हैं। 12वां जो श्लोक है, 12वें श्लोक में आगे वो कह रहे हैं कि सूत जानासी भद्रम ते भगवान सात्वताम पति देवक्याम वसुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्ष्या। वो कह रहे हैं हे सूता गोस्वामी, हे सूता गोस्वामी भद्रम ते, आपका कल्याण हो, को आशीर्वाद दे रहे हैं उनको, आपका कल्याण हो। आप जानते हैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान देवकी के गर्भ से वसुदेव के पुत्र के रूप में किस प्रयोजन से प्रकट हुए हैं, उनके प्रकट होने का, अवतरित होने का क्या प्रयोजन है। तो यहाँ पे देखो कितनी बातें आ रही हैं, भद्रमते आ रही है बात, भगवान शब्द आ रहा है, सात्वताम पति की बात आ रही है, और देवक्याम वसुदेवस्य की बात आ रही है। तो पहले हम लोग भगवान शब्द के ऊपर बात कर लेते हैं। तो विष्णु पुराण में जो पराशर मुनि है, वेद व्यास के जो पिता हैं, वो बोल रहे हैं, उन्होंने भगवान शब्द की परिभाषा दी, उन्होंने बोला भगवान शब्द भग से आता है, और भग मतलब जो ये क्वालिटीज़ हैं, वान
जिनकी संपत्ति है वो भगवान है। तो कौन सी क्वालिटीज़ हैं? उन्होंने बोला छह क्वालिटीज़ हैं, और वो छह क्वालिटीज़ उन्होंने लिस्ट डाउन की विष्णु पुराण 6.5.74 में। वो बोल रहे हैं ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशसा श्रिया ज्ञान वैराग्यश्चैव शन नाम भग इति गणा, कि जो छह ऐश्वर्य हैं, और छह ऐश्वर्य कौन से हैं? बल भगवान में, ये छहों ऐश्वर्य जो हैं ये भगवान कृष्ण में पूर्णतः निवेशित है। ऐसा नहीं है कि कुछ उसमें अभी और गुंजाइश है, कोई गुंजाइश नहीं है, पूर्णतः भगवान में निवेशित है। भगवान पूरी तरह से बलवान है, भगवान ने गोवर्धन उठा लिया बाएं हाथ से। तो ये प्रश्न उठा दिया हमारे आचार्यों ने कि आखिर इनफैक्ट ये बात डिस्कस महाभारत तात्पर्य निर्णय में डिस्कस हो रही है। ये बात श्रील मध्वाचार्य डिस्कस कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि भगवान ने बाएं हाथ से गोवर्धन पर्वत उठाया, भगवान राम ने बाएं हाथ से शिव जी का धनुष उठा के जो उसको तोड़ दिया था, तो बाएं हाथ की बात क्यों कर रहे हैं? भगवान के तो सारे अंग बराबर हैं। अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमंति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति आनंद चिन्मय सदुज्जला विग्रहस्य गोविंदमादि पुरुषम तमाम भजामि। अब भगवान के सारे अंग बराबर हैं, एक दूसरे का काम ही कर लेते हैं वो, तो फिर स्पेशली बाएं अंग की बात क्यों कर रहे हैं? तो वहाँ पे श्रील मध्वाचार्य एक्सप्लेन कर रहे हैं, बाएं अंग की बात कर रहे हैं हमें एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि जनरली जनरली 99.99% जो लोग हैं, क्योंकि उनका जो राइट साइड है बॉडी की ज़्यादा स्ट्रांग होती है, तो हमें ये बताने के लिए कि भगवान के लिए कितना ही आसान काम था वो। भगवान जैसे हम बोलते हैं ना बाएं हाथ का खेल है, तो ये कन्वे करने के लिए आइडिया कि भगवान के लिए बाएं हाथ का खेल था। हालांकि भगवान के दाएं हाथ और बाएं हाथ में ऐसा नहीं कि शक्ति में कोई डिफरेंस है, सेम शक्ति है भगवान की, लेकिन इसलिए बाएं हाथ के ऊपर बल दे रहे हैं ये बताने के लिए कि कितना आसान काम है। और इनफैक्ट हमारे कई आचार्य बोलते हैं भगवान को जब ग्लोरीफाई करते हैं कि आपने ये कर दिया, कौन सी बड़ी बात है, आपके लिए क्या मुश्किल काम है। जिन भगवान के शरीर के रोम, भगवान के रोम कूपों से ब्रह्मांड निकल रहे हैं, उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठा लिया, कौन सी बड़ी बात है। ऐसा कोई वो बात नहीं है। यह कारणान बजले भजती स्मयों का निद्रामनंत जगदंड सरोम कूपा आधार शक्तिम अवलंब्य पराम समूर्तिम गोविंदमादि पुरुषम तम हम भजामि। भगवान के रोम कूपों में ब्रह्मांड जो है वो छुपे पड़े हैं, भगवान श्वास छोड़ते हैं। यस एक निश्वसित काल मथ अवलंब्य जीवंत लोम विलजा जगदंत नाथा विष्णुर महान स ही यस कला विशेषो। भगवान जब श्वास छोड़ते हैं, करोड़ों ब्रह्मांड भगवान के रोम छिद्रों से निकल आते हैं। ऐसे महाविष्णु भगवान कृष्ण के अंश के अंश हैं, कला विशेषो भगवान के, ऐसे नहीं कि डायरेक्ट भगवान के विस्तार हैं, भगवान के विस्तार के विस्तार हैं। तो ऐसे जो महाविष्णु जो भगवान के विस्तार है, वो भगवान कृष्ण कितने बलवान होंगे, और उन्होंने अगर गोवर्धन पर्वत उठा भी लिया, कौन सी इतनी मतलब आश्चर्यजनक बात है। तो फिर प्रश्न है कि आश्चर्यजनक बात है क्या? तो आश्चर्यजनक बात है कि अगर आप मेरा उद्धार कर दो, कोई नहीं कर पाया आज तक, आप में दम है, अगर भक्त भगवान को चुनौती देता है कि मौसम पतित प्रभु ना पाए प्यार, आप पतित पावन हो, करके दिखाओ ना, आप करके दिखाओगे तो मानेंगे हम। वो गोवर्धन पर्वत उठा लिया, ये कर दिया, वो कर दिया, हम उससे इम्प्रेस्ड नहीं है, मेरा कल्याण करो तो हम मानेंगे कि हाँ आप में वाकई दम है। क्यों? क्योंकि हम इनकॉरिजिबल है, हम सुधर ही नहीं रहे, हम हमारे सुधरने का कोई गुंजाइश नहीं है, इसलिए ऐसा बोलते हैं। तो पराशर मुनि कह रहे हैं कि भगवान में जो बल है, पूर्णतः भगवान के अंदर बल विराजमान है, उसी प्रकार भगवान में जो यश है, भगवान का यश फैला हुआ है। जितने बड़े से बड़ा राजा
प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट आया गया एलो और गेलो। लेकिन भगवान का यश पहले भी पूरी तरह सभी लोकों में भगवान का यश फैला हुआ था, आज भी फैला हुआ है और हमेशा आगे भगवान का यश फैला रहेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। भगवान का यश तो फैला हुआ है और जो भगवान के साथ कनेक्ट होते हैं उनका यश भी फैल जाता है। इसलिए तो एक शिष्य गुरु को बोलता है, ए बे यश कुशुक त्रिभुवन, हे गुरुदेव आपका यश तीनों लोगों पर फैला हुआ है। क्यों फैला हुआ है? क्योंकि जो पूर्णतया यशस्वी भगवान है उनकी सेवा में नियोजित है, इसलिए फैला हुआ है। तो भगवान में बल है, भगवान में यश पूरी तरह भगवान के अंदर स्थित है, पूरा धन भगवान के पास है, लक्ष्मीपति हैं भगवान। बात ख़त्म हो गई। अब इसके आगे इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है कि भगवान लक्ष्मीपति हैं। लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्यमानम, करोड़ों लक्ष्मियाँ संभ्रम आदर सहित भगवान की सेवा में लगी हुई हैं। ये भगवान का ऐश्वर्य है। तो जो धन है वो पूरी तरह से भगवान के अंदर निवेशित है। ज्ञान है, ज्ञान भगवान में, भगवान पूर्णतः ज्ञानवान है, सच्चिदानंद विग्रह भगवान में चित, भगवान पूरी तरह से ज्ञानवान है। और भगवान कोई भी वाक्य बोलेंगे हमेशा अर्थपूर्ण वचन बोलते हैं भगवान। भगवान कोई भी वाक्य ऐसा नहीं बोलेंगे जो कि ऐसे ही एम ही बोल दिया। कई बार हम बोलते हैं ना, वो ऐसे मुंह से निकल गया था, मेरा ये मतलब नहीं था। भगवान ऐसे नहीं करते। भगवान का हर वाक्य अर्थपूर्ण होता है भगवान का। आप देख लो, वेद भगवान की वाणी है। वेदेश्च सर्वे रहम विद्या वेदांत कृत वेदवित एवचाहम, भगवान की वाणी है वेद और वेदांत। और लोग उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, कोई ये दावा नहीं कर सकता, क्लेम नहीं कर सकता कि हम पूरी तरह से समझ गए। भगवद गीता भगवान कृष्ण की वाणी है, कौन दावा कर सकता है कि हम पूरी तरह से समझ गए? सबकी समझ हमेशा आंशिक रहेगी। इनफैक्ट ब्रह्मा जी शिव जी हैं, इंद्र आदि जो देवी देवता हैं, वो कहते हैं हमें समझ ही नहीं आती कि भगवान हमारे से प्रसन्न है नाराज़ है, हम डिटर्मिन नहीं कर पाते। हम भगवान ऐसी बात बोलते हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं भगवान की बातों को सुनकर। तो भगवान ज्ञानवान है, भगवान पूरी तरह, जो भगवान से अधिक सुंदर व्यक्ति वस्तु कोई ना भौतिक जगत में ना आध्यात्मिक जगत में कोई उपलब्ध नहीं है। तत्व की दृष्टि से कोई नहीं है जो भगवान से अधिक सुंदर है। भगवान इनफैक्ट खुद को ही देखते हैं तो भगवान आकर्षित हो जाते हैं, इतने सुंदर हैं भगवान। और जो आत्मा राम है, जो पहले से ही ब्रह्म ज्योति के अंदर स्थित है, पहले से ही मुक्त हो चुके हैं, जब वो भी भगवान के गुणों का, भगवान के रूप का जब वो वर्णन सुनते हैं, भगवान से आकर्षित हो जाते हैं। तो और जो छठा जो गुण है, रेनन्सिएशन वैराग्य, कि भगवान में वैराग्य पूरी तरह से विराजमान है। भगवान कोई भी कार्य करते हैं, भगवान आसक्त नहीं होते। भगवान किसी भी कार्य की पूर्ति के लिए तो अपने वचनों से भी भगवान कई बार आसक्त नहीं होते, अपने भक्तों के बारे में सोचते रहते हैं। भगवान व्रत छोड़ के चले गए अपने कर्तव्य निभाने के लिए, पीछे मुड़ के नहीं देखा उन्होंने। नित्यानंद प्रभु अपने माता पिता को छोड़ के चले गए, पीछे मुड़ के नहीं देखा उन्होंने, जब सन्यासी के साथ में चल दिए थे वो। भगवान राम विश्वामित्र के साथ चल दिए, आज्ञा का पालन कर रहे हैं भगवान राम के। पूरी अयोध्या चल के भगवान राम के पास आ गए कि आप प्लीज़ वापस चलो। भगवान राम वापस नहीं गए। भगवान राम ने बोला, भाई मेरा जो कर्तव्य है, जो मैंने वचन दे रखा है, अपने पिता का वचन पूरा करूँगा तो आऊँगा, वो जीवित है नहीं है उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ये भगवान का वैराग्य। और भगवान का परम वैराग्य क्या है? भगवान का परम वैराग्य है कि भगवान के करोड़ों लक्ष्मियाँ भगवान की सेवा में लगी हुई हैं, उनकी सेवा को छोड़ के भगवान हमारी चिंता करते रहते हैं। हम जैसे जो तुच्छ जीव हैं, वो भगवान को अगर कोई बहुत ही मामूली, बहुत ही तुच्छ चीज़ भगवान को
अगर हम भोग लगाते हैं भगवान स्वीकार कर लेते हैं। ये भगवान का वैराग्य, ये भगवान का अनुग्रह है। ये भगवान ये नहीं सोचते यार ये बढ़िया चीज़ ले लेता हूँ, ये कम बढ़िया लग रही है ये नहीं लेता। हमारा पूरा जीवन इसी में बीत जाता है, लेकिन भगवान इस तरह से डिटरमिन नहीं करते। भगवान तो कृपा बरसाने के मौके ढूंढते रहते हैं। ये भगवान का वैराग्य है कि भगवान गोलोक निवसति अखिलात्म भूतो, गोलोक धाम में भगवान बैठे हैं, वहाँ पर पूर्णतः संतुष्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत दुख तकलीफ कुछ नहीं है, फिर भी भगवान बद्ध जीवों के बारे में सोचते रहते हैं कैसे इनका कल्याण होगा। और चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर से डिस्कस कर रहे थे कि मेरे को बड़ी चिंता है कि ये पेड़ पौधों का कल्याण कैसे होगा, मुझे बड़ी चिंता है कि ये यवनों का मुसलमानों का कल्याण कैसे होगा। तो हरिदास ठाकुर ने उनका जो चिंता है वो दूर कर दिया कि आपकी दया से ही इन लोगों का भी कल्याण हो जाएगा, और ऑलरेडी हो ही रहा है कल्याण। तो ये भगवान का वैराग्य दर्शाता है। तो जिस व्यक्ति में ये छहों गुण पूर्णतः विराजमान है वो भगवान है। सात्वताम पति, तो श्रील प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं कि देखो सत का मतलब है परम सत्य, परम सत्य मतलब भगवान। और बोल रहे हैं कि जो लोग इस परम सत्य की सेवा में लगे हुए हैं वो सात्वत हैं। और इन सात्वत जो ये जो लोग हैं इनके जो स्वामी हैं वो सात्वत पति हैं, मतलब भगवान कृष्ण। तो जो सत्य की सेवा में लगे हैं वो सात्वत हैं, और जो सात्वत हैं उनके स्वामी कौन है, सात्वत पति भगवान कृष्ण। बात क्लियर हो गई। शिला विश्वनाथ चक्र ठाकुर एक और उदाहरण एक और तरह से एक्सप्लेन कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि सात्व ताम पति के साथ वो सत की जगह सात को उठा रहे हैं, और बोल रहे हैं कि सात का मतलब है जो आनंद दे रहा है, जो सुख दे रहा है। तो सुख कौन दे रहा है, सुख भगवान दे रहे हैं। तो भगवान सुख दे रहे हैं, तो जो सात्वत कौन है, जो ये सुख देने वाले भगवान जिनकी संपत्ति है सेवा के बल पर। तो ये जो सात्वत कौन है, अपनी सेवा के बल पर भगवान जो सबको आनंद देने वाले हैं उनको अपनी संपत्ति बना लेते हैं। कृष्ण से तुम्हार कृष्ण दिते पार तुम्हारे शक्ति आचे, हमारे आचार्य बोल रहे हैं कि कृष्ण आपके हैं, आपकी संपत्ति हैं। कैसे आपकी संपत्ति बन गए, सेवा के बल पर। सेवा के बल पर जो भक्त है भगवान को अपने वश में कर लेता है। और ऐसे भक्त जिन्होंने भगवान को अपने वश में कर लिया है, ऐसे भक्तों के स्वामी कौन है, सात्वत पति भगवान कृष्ण। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। और यहाँ पर इस श्लोक में ये भी बोला गया है देवक्याम वसु देवस्य, कि जो भगवान कृष्ण जो कि देवकी और वसुदेव के पुत्र हैं। तो क्यों ऐसा बोल रहे हैं जबकि भगवान तो अजन्मा है, और चलो क्यों इस तरीके से बात कर रहे हैं कि भगवान देवकी और वसुदेव के पुत्र हैं, क्योंकि भगवान को अच्छा लगता है। भगवान जब कोई भगवान के साथ जोड़ के बात करता है, तो भगवान के नाम को भगवान के भक्तों के साथ जोड़ के बात करता है, तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। और क्योंकि हम भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं, इसलिए हमेशा जब भी भगवान का नाम लेंगे भगवान के भक्तों के साथ जोड़ के लेंगे, श्रीमती राधा रानी के साथ जोड़ के नाम लेंगे, या हम भगवान का नाम लेंगे यशोदा माता के साथ जोड़ के, नंद महाराज के साथ जोड़ के, गोवर्धन के साथ जोड़ के, जमुना के साथ जोड़ के, किसी ना किसी के साथ जोड़ के भगवान का हम नाम लेंगे, ताकि भगवान को अच्छा लगता है। हम भगवान को उनके भक्तों का स्मरण कराते हैं। भगवान जैसे हम भगवान के भक्तों का नाम लेते हैं वैसे ही भगवान को उनका स्मरण आ जाता है कि उनके साथ मेरी क्या क्या लीलाएं हैं। भगवान को अच्छा लगता है, और हमारा जीवन का अस्तित्व ये है भगवान को प्रसन्न करना। सो यहाँ पर बात की थी कि
देवक्याम वासुदेवस्य जातो यस चिकीर्ष्या। भगवान आखिर किस प्रयोजन से भगवान यहाँ पर आए हैं, ये प्रयोजन भगवान का अभिप्राय क्या है आने का, भगवान का उद्देश्य क्या है इस धराधाम पर अवतरित होने के लिए। तो भगवान का उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य क्या है, गौण उद्देश्य क्या है, क्या भगवान अपने भक्तों को सांत्वना देने के लिए, अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए, अपने भक्तों की विरह की ज्वाला शांत करने के लिए आए परित्राणाम साधुनाम, या भगवान असुरों का विनाश करने के लिए आए विनाशाय च दुष्कृताम इंद्रारि व्याकुलम लोके मृडयन्ति युगे युगे, कि क्या भगवान इंद्र के शत्रुओं का विनाश करने के लिए आए हैं भगवान, या भगवान अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए आए हैं, क्या भगवान के आने का पर्पज़ है, वो आप हमें प्लीज़ क्लियरली आप हमें समझाइए। ऐसा जितने भी वहाँ पर साधु मौजूद थे नैमिषारण्य में, वो सब शिला सूत गोस्वामी से यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं। 13वां जो श्लोक है इस प्रकार है, तन्नः शुश्रुषमाणानाम अर्हसि अंग अनुवर्णितुम यस्य अवतारो भूतानाम क्षेमाय च भवाय च, कि अंग हे सूत गोस्वामी, हम भगवान और यस्य अवतारो भूतानाम, हम भगवान और उनके अवतारों के विषय में जानने के लिए उत्सुक हैं, कृपया हमें पूर्ववर्ती आचार्यों द्वारा दिए गए उपदेशों को बताइए, क्योंकि उनके जो वचन है वो श्रवण तथा कहने सुनने से, जो पूर्ववर्ती आचार्यों के अनुगत होकर उनकी शिक्षाओं के अनुसार जो श्रोता है सुन रहा है जो, और जो वक्ता है जो प्रवचन दे रहा है, दोनों का लाभ होगा। जैसे आप सुन रहे हो, अभी सुन रहे हो या बाद में सुनोगे, आपको भी लाभ होगा, और मैं जो बोल रहा हूँ मुझे तो लाभ हो ही रहा है, क्योंकि भगवान पर, भगवान के शिक्षाओं पर, भगवान के भक्तों पर मेडिटेट कर पा रहा हूँ। अगर आप 1 घंटे का लेक्चर देना होता है तो कोई भी भक्त है जो सुपर एक्सपर्ट है उनकी बात छोड़ दीजिए, मेरे जैसे साधारण व्यक्ति को 8-10 घंटे प्रिपरेशन करनी पड़ती है, तो वो टाइम भगवान के वचनों के बारे में, भगवान की लीलाओं के बारे में, भक्तों के बारे में सोचने में निकल जाता है, उससे में अटेंशन इधर उधर जाती नहीं है। और स्पेशली जब आप लेक्चर दे रहे हो तो किसी और वस्तु के बारे में सोच भी नहीं सकते आप, पूरा फोकस आपका, एटलीस्ट जो वक्ता होता है उसका पूरा फोकस वहाँ पे आता है। तो यहाँ पर जो शौनक आदि ऋषि वो सब बोल रहे हैं कि आप हमें उनके बारे में बताइए, पूर्ववर्ती आचार्यों के शिक्षाओं के अनुरूप, और उससे श्रोता और वक्ता दोनों का, दोनों को लाभ होता है। तो यहाँ पे कई शब्द हैं, यहाँ पर देखो शुश्रुषमाणा नाम और अनुवर्णितुम की बात हो रही है, क्षमाए की बात हो रही है, तो इनके ऊपर हम डिस्कशन करते हैं। तो शुश्रुषमाणा नाम जो शब्द है कि हम लोग सुनने के लिए उतावले हैं, हम लोग उत्कंठा है हमारे में सुनने के लिए, ये जो उत्कंठा होती है, ये उत्कंठा बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। आप भागवतम उठा के देख लीजिए, आप भगवत गीता उठा के देख लो, आप चैतन्य चरितमृत उठा के देख लो, पुराण उठा के देख लो, महाभारत उठा के देख लो, सब जगह जो जितने भी उच्च कोटि के भक्त हैं, जैसे ही अपने वरिष्ठ अपने से श्रेष्ठ लोगों से मिल रहे हैं, तुरंत उनसे श्रवण करने के लिए उनके अंदर वो लालसा दिखाई देती है उनके अंदर। जब भीष्म पितामह भी बाणों के शैया पर लेटे हुए थे तो युधिष्ठिर महाराज क्यों गए, क्योंकि वो उनसे सुनना चाहते थे, उनकी रियलाइजेशंस उनसे लेना चाहते थे, ताकि वो रियलाइजेशंस लेकर उसको अपने जीवन में उनको उतार पाए। ये हर श्रेष्ठ व्यक्ति का ये कर्तव्य होता है कि वो सुनने के लिए लालायित होता है। इसका उदाहरण मैं चैतन्य चरितमृत में 1 उदाहरण आपके साथ शेयर करता हूँ, अदरवाइज तो मतलब करोड़ों उदाहरण है इसके। तो
जब चैतन्य महाप्रभु सारे भक्तों को मिलकर साथ में लेकर रूपा गोस्वामी से मिलाने के लिए ले गए थे और बोल रहे थे, देखो ये रूपा गोस्वामी कितना चमत्कारी अद्भुत भक्त है और मेरे हृदय की बात को ही जान क्या ये। श्री चैतन्य मनोभीष्टम, चैतन्य महाप्रभु के मन के अभीष्ट को ही जान गए श्रील रूपा गोस्वामी, कितनी अद्भुत बात है। तो उनसे मिलाने ले गए, तो उन सब सब लोगों को बोला महाप्रभु ने, और सारे प्रकांड विद्वान है, रामानंद राय, स्वरूप दामोदर गोस्वामी, सार्वभौम भट्टाचार्य, प्रकांड विद्वान है ये लोग। और उन्होंने बोला कि आप प्लीज़ इसको चेक करो, इसको टेस्ट करो कि ऐसे तो नहीं, मुझे कन्फ्यूजन हो गई है, आप खुद इसको चेक करो, आप सर्टिफाई करो और फिर आप इसको आशीर्वाद भी दीजिए आप। तो उस दौरान श्री रामानंद राय ने उनसे पूछा था रूपा गोस्वामी से, राय कहे प्रोचनादि कह देखी सुनी, रूपा कहे महाप्रभुर श्रवण इच्छा जानी। ये मैंने क्यों चुना मैं बताता हूँ आपको। तो जो प्रो प्ररोचन प्ररोचना जो शब्द है, प्ररोचना शब्द है कि जो वक्ता है वो एक उत्कंठा जनरेट कर देता है, जो श्रोता है उनको सुनने के एक सस्पेंस एक क्रिएट हो जाता है, सुनने आगे क्या होने वाला है, आगे क्या होने वाला है, वो जो ईगरनेस है वो ईगरनेस को प्ररोचना कहते हैं। तो राय रामानंद राय ने बोला ये प्ररोचना क्या है कि आप जो भी आप ग्रंथ लिख रहे हो इसके अंदर वो जो उत्कंठा वो जो ईगरनेस है वो ईगरनेस कहाँ से आ रही है, वो मुझे आप एक्सप्लेन करो कि जो ग्रंथ आपने लिखे हैं वो लोग क्यों उत्साहपूर्वक उनको पढ़ेंगे। तो शिला रूपा गोस्वामी ने बोला कि महाप्रभु श्रवण इच्छा जानी, कि महाप्रभु के चैतन्य महाप्रभु के श्रवण की इच्छा ही प्ररोचना है। मतलब क्या है कि हम जितने भी ग्रंथ श्रवण कर रहे हैं, जितने भी ग्रंथ लिख रहे हैं, जितने भी लेक्चर्स दे रहे हैं, जितना भी जप कर रहे हैं हम, उसके पीछे प्ररोचना क्या है कि महाप्रभु उसका श्रवण कर रहे हैं। तो आप जब भी लेक्चर दें ये सोच के दें कि महाप्रभु और श्रील प्रभुपाद सुन रहे हैं उसको, उनकी प्रसन्नता के लिए लेक्चर देना चाहिए, लोगों को प्रसन्न करने के लिए कभी बोल रहना चाहिए। मैंने कई लोगों को देखा है, कई तो अबोध बच्चे हैं अभी नए, उन्होंने प्रवचन देना शुरू किया है, लेकिन वो इस्कॉन के कई मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, उनसे इम्प्रेस होके तरह तरह के ड्रामे करके भाव भंगिमा बना के वो लेक्चर देने की कोशिश कर रहे हैं लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए। अगर आपने लोगों को अट्रैक्ट करना है तो सब्सटेंस से अट्रैक्ट करो। अगर आपको नाटक करने का अगर आपको चाव है तो नाटक करो जाके, आप व्यास आसन पर बैठकर लोगों को रिझाने के लिए आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर आपने पॉपुलर बनना है तो रूपा गोस्वामी यहाँ पर बिल्कुल क्लियरली इस बात को बोल रहे हैं कि महाप्रभु श्रवण इच्छा जानी, कि महाप्रभु सुन रहे हैं स्वयं, महाप्रभु को हमें हमेशा अवेयर होना चाहिए, हमें हमेशा जो भी प्रचारक है उसको हमेशा इस बात का बोध रहना चाहिए कि वो जो भी बोल रहे हैं महाप्रभु उसको सुन रहे हैं। तो आप ऐसी कोई बात मत बोलो जिससे महाप्रभु जो बात महाप्रभु को अच्छी नहीं लगे। महाप्रभु को कौन सी बात अच्छी नहीं लगेगी, जो भी बात जो शुद्ध कृष्ण प्रेम से लेश मात्र भी कम है महाप्रभु को अच्छी नहीं लगेगी, जो बात पूर्ववर्ती आचार्यों की शिक्षाओं के अनुरूप नहीं है जरा सा भी, वो महाप्रभु को अच्छी नहीं लगेगी, लग ही नहीं सकती। महाप्रभु ने इसका दृष्टांत प्रस्तुत किया है। महाप्रभु कई लोग महाप्रभु के पास आते थे अपनी रचनाएं सुनाने के लिए, महाप्रभु नहीं सुनते थे, महाप्रभु कहते थे पहले स्वरूप दामोदर को सुनाओ, अगर स्वरूप दामोदर अप्रूव करेगा तो सुनूंगा, नहीं तो मैं नहीं सुनूंगा। और स्वरूप दामोदर बहुत ध्यान से सुनते थे, कहीं पे कोई रसाभास तो नहीं है, कहीं पे कुछ और प्रॉब्लम्स तो नहीं आ रही। तो अगर बिल्कुल अगर स्वरूप दामोदर गोस्वामी कन्विंस हो जाएंगे तो महाप्रभु सुनेंगे, तो महाप्रभु को अच्छा लगेगा। तो हमारे आचार्यों का यही प्रयास है शिला स्वरूप दामोदर गोस्वामी के पद चिन्हों पर चलते चलते कि ऐसे काम करो कि महाप्रभु को
अच्छा लगे, महाप्रभु प्रसन्न हो जाए। प्रभुपाद ने भी यही काम किया, पूर्ववर्ती आचार्य सब ऐसे कर रहे हैं, हमें अलग से निकलने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली में क्या होता है कि जो अलग अपने विचार लाने की कोशिश करते हैं वो उनको लगता है हम सही कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो ये तेरा अपसंप्रदाय खड़े नहीं हो जाते। ये तेरा अपसंप्रदाय है, ये भी महाप्रभु को प्रसन्न करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि अनुवर्णितम इसमें मिसिंग है, क्योंकि पूर्ववर्ती आचार्यों की ब्लेसिंग्स इसके अंदर से मिसिंग है, इसीलिए अपसंप्रदाय बोल देते हैं उसको। ऐसा नहीं है कि वो महाप्रभु उसके से दुश्मनी कर रहे हैं, वो भी महाप्रभु को प्रसन्न करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मिसगाइड हो गए, भ्रमित हो गए, बस इसलिए उनका नाम अपसंप्रदाय में आ गया। तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि हम एक वो तेरा अपसंप्रदाय जैसा एक अपसंप्रदाय हम भी तो नहीं खड़ा कर रहे। ऐसा तो नहीं कि चले हैं भला करने के लिए, हम चले हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रचार करने के लिए, लेकिन पता चले कि हम खुद ही दिशा भटक गए तो हम दूसरों को क्या गाइड करेंगे, हम खुद ही नीचे गिर जाएंगे। तो अनुवर्णितम शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, महाप्रभु श्रवण इच्छा शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। ये दोनों कसौटियों पे अगर बात खरी उतरेगी तो ही ये माना जाएगा कि हाँ वाकई में आपका जो प्रचार है वो आप ठीक कर रहे हैं। लोग कम आएंगे, वेल कमाने दो, हीरे के खरीदार कम ही होते हैं। हीरे की दुकान पर कभी आपको भीड़ नहीं लगेगी, भीड़ हमेशा शराब की दुकान पर, हमेशा ये जो घटिया चीज़ें, जो चीप इमिटेशन ज्वेलरी है उनकी दुकानों पर जो है भीड़ लगेगी। कभी भी हीरे जवाहरात की दुकान पर आपको भीड़ नहीं लगेगी, वहाँ तो वो लोग इंतज़ार करते हैं कि कोई वर्दी आदमी, कोई धनी व्यक्ति कोई आएगा तो ही हम उसको ये धन, ये जो बहुमूल्य सामान है हम उसको दे पाएंगे। तो लोग कम आ रहे हैं, कोई परवाह मत करो, अगर महाप्रभु चाहेंगे तो हज़ारों लोग आ भी जाएंगे। शीला प्रभुपाद ने कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, हज़ारों लोग आ गए, महाप्रभु ने भेज दिए। तो हम ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अपने दम पे हम हज़ारों लोग इकट्ठे कर लेंगे। महाप्रभु से विनीत भाव से प्रार्थना करते रहो, हे महाप्रभु पहले तो आप ही हमें कैपेबिलिटी दो, आप ही हमें वो सक्षमता दो, वो ताकत दो ताकि हम प्रचार कर पाएँ, और फिर आप लोगों को भेजो ताकि हम उनको हेल्प कर सकें आपकी कृपा का अनुभव करने में। बस ऐसा करेंगे आगे बढ़ जाएंगे। जब तक नहीं हो रहा धैर्यात धैर्य से आप अपना प्रैक्टिस करते रहो, जैसे हनुमान जी हमेशा अटेंटिव मुद्रा में खड़े रहते हैं, कोई सेवा है या नहीं है फ़र्क नहीं पड़ रहा, वो खड़े हुए हैं, जैसे उनको कोई आज्ञा मिलेगी तुरंत सेवा में संलग्न हो जाएंगे। आप प्रिपेयर करके रहो, जैसे मौका आएगा कर देना, लेकिन लोकप्रिय बनने के लिए तरह तरह के ड्रामे करना या शिला प्रभुपाद की शिक्षाओं से कॉम्प्रोमाइज़ करना, पूर्ववर्ती आचार्यों की शिक्षाओं की अनदेखी करना, वो अच्छी बात नहीं है, ना श्रोता के लिए ना वक्ता के लिए। श्रोता को भी फ़ायदा होना चाहिए, वक्ता को भी फ़ायदा होना चाहिए। वो फ़ायदा तब होगा जब ये कंडीशंस जो हैं वो जब फुलफिल होंगे तो बात बनेगी। क्षमाए अल्टीमेट गुड, जो सर्वाधिक जो कल्याणकारी जो प्रभाव है, जो एंड रिजल्ट है, जो परिणाम है, वो अगर प्राप्त नहीं हुआ तो हमारे सारे प्रयास बेसिकली विफल ही हो जाएंगे, तो उसका क्या पॉइंट है। तो कोई भी काम हो, ईगरनेस होनी चाहिए ऑफ कोर्स सुनने के लिए। भागवतम 1:25 में ये बताया है कि भेज रे मुनियो अथ अग्रे भगवंतम अधोक्षजम सत्वम विशुद्धम क्षेमाया कल्पन्ते येनु तानिहा, कि पहले भी जितने भी ये महान संत हैं इन्होंने पहले भी भगवान की सेवा में ये लोग रत हुए थे,
भगवान की सेवा कर रहे थे वो। और भगवान की सेवा क्यों कर रहे थे? क्योंकि भगवान प्रकृति के तीनों गुणों से ऊपर हैं, भगवान अथोक्षज हैं। और उन्होंने भगवान क्योंकि प्रकृति के तीनों गुणों से ऊपर हैं, दिव्य हैं भगवान, तो ये जितने भी महान संत हैं वो भगवान की उपासना कर रहे थे, पूजा कर रहे थे प्रकृति के तीनों गुणों से ऊपर उठने के लिए। और ऊपर उठकर क्षेमाए अल्टीमेट बेनिफिट प्राप्त करने के लिए। तो जो भी अनु कीर्तन, जो भी इन महान आचार्यों के पच्चीनों का अनुसरण करेगा वो भी उसी बेनिफिट को प्राप्त कर पाएगा। तो आचार्यों का अनुकरण करना अल्टीमेट बेनिफिट के लिए, क्षेम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। और जब महाराज निमी नवयोगेंद्र से मिले थे, 11वें स्कंद में इसका वर्णन आ रहा है, तो वो बोल रहे थे अथ आत्यंतिकम क्षेमम प्रच्छामो भवतो अनघा संसारे अस्मिन क्षणार्धोपि सत्संगा शेवधिर नृणाम। उन्होंने बोला हे सभी नवयोगेंद्रों को वो संबोधित कर रहे थे, नौ साधुओं को, कि आप सब महान साधु, आप पूरी तरह से पाप मुक्त हो। आप अनक का मतलब होता है पूरी तरह से पाप मुक्त हो आप। और मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्षेम जो अल्टीमेट बेनिफिट, जो सर्वाधिक सर्वश्रेष्ठ कल्याणकारी वस्तु क्या है, कल्याणकारी कार्य क्या है, आप मुझे ये बताओ। क्यों बताओ? क्योंकि आप साधु हो, और एक साधु का एक आधे क्षण का भी अगर संग मिल जाए तो व्यक्ति का जीवन बदल जाता है। तो मैं भी अपना जीवन बदलना चाहता हूँ, आप प्लीज़ मुझे इस बारे में जानकारी प्राप्त जानकारी आप दीजिए। जीवा गोस्वामी कह रहे हैं आत्यंतिकम क्षेमम का मतलब है परम कल्याण। और बोल रहे हैं कि परम कल्याण का मतलब क्या है कि ऐसी सिचुएशन जहाँ पर भी, जहाँ पर लेश मात्र भी आपको कोई संकट, कोई दुख आपको छू नहीं सके, ऐसी स्थिति पे जाना, उसको बोलते हैं आत्यंतिकम क्षेमम। वो परम कल्याण की अवस्था है। और वो अवस्था इस संसार में रहते हुए भी प्राप्त की जा सकती है। कैसे प्राप्त की जा सकती है? कि कोई दुख, पीड़ा, तकलीफ हमें असर ही नहीं डाल रही, वो हम प्राप्त कर सकते हैं उस अवस्था को भगवान की सेवा में नियोजित करके। सुअल्पमपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतोभयात्, भगवान की थोड़ी सी भी सेवा की त्रायते महतोभयात, कि बड़े से बड़े खतरे से जो व्यक्ति है उसकी रक्षा हो जाएगी। तो ये सब डिस्कशन चल रही है और वो बहुत ही उत्साहपूर्वक इसको सुनने की बात कर रहे हैं। तो हम सब भक्तों का भी ये कर्तव्य है एक्चुअली में, कि हम लोग प्राथमिकता दें इन शास्त्रों का श्रवण करने के लिए, इनको सुनने के लिए, ताकि जो लाभ परीक्षित महाराज को प्राप्त हुआ, जो लाभ सूत गोस्वामी को प्राप्त हुआ, जो लाभ शौनक आदि ऋषियों को प्राप्त हुआ, वही लाभ हम लोग भी उसको प्राप्त कर पाएँ और जीवन सफल बना पाएँ। इसको यहीं पे विराम देते हैं। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय।